नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अब चुनाव में बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है। अब ऐसा क्यों करेंगे, इस पर अपने खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जहरीले सांप कफन अभी फैल ही रहा था कि तब तक बजरंग बली की एंट्री हो गई। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए किसी शस्त्र की तलाश में थी, लेकिन उसे बजरंग बली के नाम का ब्रह्मास्त्र मिल गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिनों से रैलियों में बयानबाजी अपने पूरे सुरूर पर दिख रही है। पहले जहरीले सांप, विषकन्या जैसे कई शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया गया और अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए साल में 3 बार गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर किसानों, महिलाओं और बच्चों तक के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा में 200 यूनिट बिजली मुफ्त से लेकर परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने तक का वादा किया गया। कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगाने का भी वादा किया। इसमें सबसे बड़ा नाम बजरंग दल का है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान क्यों किया। कांग्रेस के जारी किए गए घोषणा पत्र में बजरंग दल और PFI पर बैन लगाने के मामले में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयनगर में इसे भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने की कोशिश करने का प्रयास करार दिया। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। इसी बीच कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर इसको लेकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जेब से हनुमान भगवान की तस्वीर निकालते हुए कहा, पीएम मोदी को शर्म आनी चाहिए, आप बजरंग दल की तुलना मेरे आराध्य देव बजरंग बली से करेंगे। बजरंग दल के बारे में 2017 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि ये ISI सर्टिफाइड दल है। आप सिंधिया से पूछिए कि बजरंग दल को लेकर उनके क्या विचार हैं। खेड़ा ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने मेरी आस्था का अपमान किया है, ऐसे में उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे, यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का। अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का, माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से। इधर इसी के चलते बजरंग दल के नेताओं ने अपने घरों के बाहर कांग्रेस के लिए चेतावनी भरे पोस्टर लगाए हैं। इस तरह के पोस्टर चिकमंगलूर जिले के कई घरों में देखे गए, जिनके भवन के ऊपर बजरंग दल का झंडा लगा हुआ था। पोस्टर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई थी कि वह 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए इन घरों में एंट्री न करें। पोस्टर पर लिखा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता का घर है, कोई भी कांग्रेसी वोट मांगने के लिए अंदर न आए, इसके बावजूद अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो कुत्तों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी सत्ता में आने के बाद बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। जहां तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई बजरंग बली तक आ चली है और ऐसे में पीएम मोदी के जो रैली हुई उसके बीच ही भाषण की शुरुआत जब जय बजरंग बली से हुई, तो मोदी का ये स्टाइल बताता है कि किस तरह से वो विपक्ष के तर्कश से निकले तीर को कैसे हथियार बना लेते हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर PFI और बजरंग बली पर आकर ये बहस क्यों आखिर रुक गई है, इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर नीरज जैन जी इस वक्त हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे विजय जी सबसे पहला सवाल मेरा यही है
कर्नाटक विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, घोषणा पत्र आप लोगों ने जारी कर दिया, लेकिन इस बीच सवाल इस बात को लेकर है कि बजरंग दल पर बैन लगाने की आवश्यकता आपको क्यों लगती है, और पीएफआई पर तो पहले से ही बैन है, ये क्या बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है क्या ये कहकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के दौरान हमारे नेता जब जनता के बीच में गए तो जनता ने हमारे नेताओं को बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताया और नेताओं को बताया कि किस प्रकार से यहाँ पीएफआई जैसे संगठन मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और बजरंग दल जैसे संगठन हिंदुओं को भड़का रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि बजरंग दल अपना जो इनका जो कोई भी सदस्य बनता है उसको सुरक्षा के तौर पर एक हथियार भी कोई ना कोई मुहैया कराता है, जिस तरह से सेना त्रिशूल बांटती है इस तरह से इनका भी एक हथियार है। बहरहाल हमारा मुद्दा केवल यह है कि भाई हम जो भी कदम उठाएंगे चुनाव में जीत के बाद में वो संविधान सम्मत उठाएंगे। अगर बजरंग दल के खिलाफ सबूत होंगे तो निश्चित तौर पर बजरंग दल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीएफआई के खिलाफ तो हमें काफी सबूत भी मिले हैं, केंद्र की सरकार ने वादा किया है कि भाई हम सबूत भी मुहैया कराएंगे पीएफआई के खिलाफ। तो उन सबूतों के आधार पर और जो जनता से हमें फीडबैक मिला है, हम निश्चित तौर पर किसी भी ऐसे संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो प्रदेश के पीएफआई तो पहले से बैन है ना, पीएफआई तो पहले से बैन है, आप उसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर देंगे? कितने कहा कि भी वो कर्नाटक के अंदर बैन है, क्या हमारे नेता बेवकूफ है क्या जो कर्नाटक चुनाव के अंदर उसे बैन करने की बात कर रहे हैं? कर्नाटक में कहां बैन है? तो मैं वही कह रहा हूं आपसे, और केंद्र सरकार इसका जवाब दे। ठीक है, जब पहले भी बात चर्चाएं हुई थी। अश्वनी जी, कर्नाटक में कहां बैन है पीएफआई? कहां बैन है पीएफआई? आप तो देश भर में बैन लगाने की बात करते हैं, 5 साल के लिए आप लोग कहते हैं जी हमने तो बैन कर दिया, ये कह रहे कर्नाटक में कोई बैन नहीं है, हमारे नेता बेवकूफ है। और सवाल इस बात को लेकर भी कि आप तो शस्त्र की उम्मीद कर रहे थे, ये तो बैठे बिठाए ब्रह्मास्त्र दे दिया आप लोगों को कांग्रेस ने, बढ़िया रहा आप लोगों के लिए? देखिए नेहा जी, हमको लगता है कि कांग्रेस के नेता वाकई में बेवकूफ है जैसा विजय कौशिक जी कह रहे हैं। हम लोगों ने नहीं कहा, गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए उसको बैन कर रखा है, उस प्रतिबंधित संगठन है आज वो हिंदुस्तान में, और इनके बेवकूफ नेता लोग आज ये घूम घूम कर कह रहे हैं कि हम पीएफआई को बैन करेंगे। बजरंग दल के साथ पीएफआई को बैन करना, ये वाकई जो आपने शब्द यूज किया कि बैलेंस करने की बात है, ये लोग वही कर रहे हैं। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगाया था, लेकिन पहली सुनवाई हुई कोर्ट में उसके बाद तुरंत बैन हटा दिया गया, क्योंकि वहां पर पाया गया कि ये बजरंग दल पीएफआई की तरह या सिमी की तरह कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, इसने देश हित में बहुत काम किए हैं, ये बहुत ही जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, जो धर्म परिवर्तन होता है उसको बचाते का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति है, और वो राजनीति ये लोग कभी बुरके के नाम पर, हिजाब के नाम पर, कभी ये पीएफआई और बजरंग दल के नाम पर कांग्रेस वाले कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दों का दिवालियापन है कांग्रेस के पास आज। आज भारत जोड़ो, जो भारत तोड़ो यात्रा या जोड़ो यात्रा हुई वो तो विफल हो गई, राहुल गांधी जी कहीं अब सेहरा बंध नहीं रहा है क्योंकि उधर शरद पवार जी भी खड़े हो जा रहे हैं, केजरीवाल जी भी खड़े हो जा रहे हैं, तो मुद्दों का दिवालियापन कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी है। और जिस तरीके से इनके मूर्ख प्रवक्ता, जो बेवकूफ कहे ना, मैं बेवकूफ प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर बजरंग दल बजरंग बली के नाम पर पड़ा है तो किष्किंधा कहाँ है, पंपापुर कहाँ है? लेकिन इनके नेता तो कह रहे हैं कि बजरंग दल की बात है, आप बजरंग बली से क्यों जोड़ रहे हैं? और ऐसे में देशवासियों से माफी मांग लीजिए प्रधानमंत्री को, कह रहे बजरंग बली की बात नहीं कही हमने, बजरंग दल की बात कही है, आप धन के साथ क्यों जोड़ देते हैं इसे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ना, बड़ा बढ़िया कहा, राम के नाम पर इन लोगों ने जिस तरीके से कांड किए, जो वो लंका कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड से भी बड़े बड़े कांड कांग्रेस ने किए, कि राम को अपने घर में आने के लिए इतने साल लग गए, एफिडेविट मुकदमा सारा झेला रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रही, और आज बजरंग बली के नाम पर ही बजरंग दल की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि राम को भी ताले में बंद रखा,
राम के को ताले में बंद कर रखा, राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था, भूल गए क्या उसको? तो विरोध ही विरोध हुआ, उन्होंने एक वो उदाहरण दिया, उसके बाद तो विरोध ही विरोध कि राम है ही नहीं है, काल्प राम सेतु काल्पनिक, राम काल्पनिक, और ये किस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने दिया था 19 के चुनाव में कि ये 5 अगस्त का जो हमारा वो भूमि पूजन था उसको टाल दिया जाए, तो ये लोग क्यों कर रहे थे? काले कपड़े, जिस दिन 5 अगस्त को हम लोगों ने भूमि पूजन किया उस दिन काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ही गए थे, तो सारे तरफ से तो प्रदर्शन हुआ ही था। देखिए नेहा जी, नहीं तो क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? आप ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये लोग हनुमान जी का, बजरंग बली का विरोध करके हिंदुओं के खिलाफ ये वित्त भवन का काम कर रहे हैं, और ये लोग हिंदू विरोधी हैं, और इनके नेता राहुल गांधी दिखावे के लिए जनेऊ के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, कोट के ऊपर अपना गोत्र बताते हैं कश्यप, वो बदल जाता है कभी भारद्वाज गोत्र या पता नहीं क्या होता है, ठीक है, ठीक है। विजय कौशिक जी, इससे पहले तो आप लोग कभी खुले मंच पर ऐसे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई नहीं दी कांग्रेस पार्टी? ये बजरंग दल, PFI का नाम लेना, अब क्या खुले मंच पर आप लोग इस तरह की बातें करेंगे या ध्रुवीकरण की राजनीति में खुद कूद गई है क्या आप कांग्रेस पार्टी, ये माने? देखिए आप एक चीज समझिए कि जो हमारा घोषणा पत्र है वो जनता के साथ बातचीत करके तैयार किया है। एक तरफ भाजपा कहती है कि इन्होंने PFI को बैन कर रखा है, उसके बावजूद कर्नाटक में PFI की गतिविधियां जारी हैं, मुसलमानों पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, वहीं बजरंग दल के लोग हिंदुओं को भड़काते हैं। नहीं तो इससे पहले आपने ये मुद्दा कब उठाया सर? मुस्लिमों को भिड़ाने के लिए इससे पहले ये मुद्दा कब उठाया? अच्छा ये बताइए, आपको लगता है ये बड़ी समस्या है, जनता से बात करके आपने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, इससे पहले ये मुद्दा कब आपने उठाया? ये तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि आप लोगों ने PFI के नेताओं पर जो केसेस दर्ज थे वो वापस ले लिए, आप कहते हैं जी PFI को बैन करना चाहिए, ये तो दोहरा मापदंड हो गया। नहीं नहीं, दोहरा मापदंड हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं ये तो आरोप लगा रहे हैं ना आप लोगों पे, सुन तो लीजिए मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ सुनाइए। ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के समय में कोर्ट के अंदर ये हलफनामा दिया गया था कि भाई श्री राम काल्पनिक है। अभी पिछले दिनों राम सेतु को लेकर भाजपा की केंद्र की सरकार ने इस बारे में सरकार को अवगत कराया है कि राम सेतु के मानव निर्मित होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यानी कि वो कुदरती है, यानी कि उसका भगवान श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। मैं आपको स्पष्ट फिर कर रहा हूँ, अभी आपने खुद बताया कि भगवान श्री राम को ताले से आजाद, कैद से आजाद राजीव गांधी जी की सरकार ने कराया, और एक समय आजाद कराया नहीं कराया, ताला खोलने का काम करवाया था, वो मैंने कहा। जी सुनिए ना, एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस सरकार चाहती थी कि दोनों पक्षों की सहमति से वहां पर राम मंदिर बन जाए, लेकिन यही भाजपा के लोग अड़ गए, कभी नहीं हम ऐसे नहीं बनने देंगे मंदिर, हम तो कोर्ट के थ्रू ही बनवाएंगे, हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। नहीं ठीक है, इनका एक ही ठीक है, ठीक है, नहीं यहाँ मंदिर की बात नहीं है, यहाँ पे तो सवाल इस बात को लेकर है कि महाराज की बात नहीं कर, ठीक है ठीक है, यहाँ पे तो सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए चुनाव हो रहा है अब कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक में मुद्दे क्या है? मुद्दे वहाँ की मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, दिक्कतें क्या हो रही हैं, या बात PFI या फिर बजरंग दल की कहाँ से आ गई, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसी के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है? जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से ये आरोप भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि PFI को लेकर दोहरा मापदंड कांग्रेस पार्टी का है। कभी ये कहते हैं कि हम तो जी बैन लगा देंगे, अभी PFI जो है वो काफी सक्रिय है कर्नाटक में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कई नेताओं के जो केसेस दर्ज थे PFI के नेताओं के ऊपर वो वापस ले लिए कांग्रेस पार्टी ने। 1700 लोगों को रिहा किया गया था केस वापस लेकर। एक मिनट, ठीक है ठीक है, शाही जी आपकी बात सुन ली, पहले तो सबको प्रणाम। देखिए मेरा एक चीज मानना है कि आज जो है कर्नाटक के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री का जाना मुझे नहीं लगता कि कोई वाजिब है। दूसरा, प्रधानमंत्री नहीं जा पाएंगे या नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कह रहे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, बाकी राज्यों में भी तो जाते हैं। नहीं कोई, मैं तो आपको साफ बात कह रहा हूँ,
आज तक भारतवर्ष के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री नहीं गया कहीं पर भी, ये मैं पिछली कई मीटिंग्स में कह चुका हूँ। शाही जी आज तक के इतिहास में तो और भी बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी ना मैडम। चलिए हम इश्यू पर चल रहे हैं, हम आप बता रहे हैं ये पीएफआई और बजरंग दल के इश्यू को लेकर आना ये इन्हीं का अपना दाव है जो उल्टा चल रहा है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि 5 वर्ष से आपकी सरकार है, 40% कमीशन की सरकार है, और आप एक तरफ कहते हैं कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हम वो करेंगे देश करेंगे, और आप भ्रष्टाचारियों को ही समर्थन कर रहे हैं। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी ईश्वरप्पा से बात कर रहे थे, ठीक है, उसको आप देखिए, आपने आखिर 5 साल में इतना अगर डेवलपमेंट किया होता, इतना विकास किया होता, मेरा सवाल ये कि ये क्या दोहरा मापदंड है। पीएफआई पर एक तरफ बैन की बात कांग्रेस पार्टी करती है, दूसरी तरफ नेताओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज होते हैं, केसेस दर्ज होते हैं, उसे वापस लेने का काम भी करती है, ये कहां तक सही है, ये दोहरा मापदंड क्यों? नेहा जी देखिए, दोहरा मापदंड सारे लोग अपना रहे हैं और सब लोग अपने जो है वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप ये देख लीजिए, बजरंग दल को अगर बैन करने की बात कही या पीएफआई को बैन करने की बात कही, जिस किसी भी संगठन के द्वारा देश में मतलब अफरा तफरी का अराजकता का माहौल पैदा होगा उसको बैन करना चाहिए, लेकिन बजरंग दल को आपने बजरंग बली से जोड़ लिया और देश का जो दुनिया के अंदर मेडल दिला के लाया बजरंग पुनिया, वो आपका जंतर मंतर पर बैठा है, उस इशू पर आपने क्यों नहीं उसको बजरंग बली से जोड़ लिया? देखिए, दोहरा मापदंड हर आदमी अपनी वहां पर जीत के हिसाब से सुनिश्चित कर रहा है, इसमें कोई है इस इशू को आना नहीं चाहिए था, ये अच्छा है, लेकिन क्या है कि अब आप जान रहे हैं कि धर्म की राजनीति सुंदर और लेटर भाजपा कर लेती है, तो कांग्रेस ने भी उसकी अपनी एक चाल चली है। ठीक है अश्विनी जी, एक रैली में 4 बार जय बजरंग बली का नारा लगाना और उस विषय को सीधा बजरंग बली के साथ जोड़ देना, और अभी जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे 1700 नेताओं के जो केसेस थे वो भी वापस ले लिए गए, ये पूरा क्या आप लोगों को फ्रंट पिच पर खेलने का एक बेहतर और सुनहरा मौका मिल गया है क्या इसको देखते हुए कि अब भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर और फ्रंट फुट पर आके खेलेगी? क्योंकि मुद्दा चाहिए था, अभी तक मुद्दा नहीं मिल पा रहा था, अब तो बेहतर मुद्दा मिल गया सर आप लोगों को। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलती है, इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुद्दों का दिवालियापन कांग्रेस के पास है। आज इन्होंने हिंदू भावनाओं का अपमान करने की बात की, बजरंग दल को हम हिंदू हितों से जोड़कर चलते हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, ये पीएफआई के नेताओं को छोड़ते हैं 1700 नेताओं को, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और हम सबको मिलाकर चलते हैं तो हम संतुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, बार बार मैं कहता हूँ। दूसरी बात, नीरज जैन जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ इनका, देश के प्रधानमंत्री कहीं चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 के बीच में, मैं आपको नीरज जी भेज दूंगा कि चुनाव प्रचार करते हुए वो दिखे थे और कई चुनाव प्रचार में वो गए थे। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, सम्मान के साथ ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कहीं नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री उस दल का नेता नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री तो है, तो देश का नेता होने के नाते कष्ट क्यों है? कष्ट इसलिए है कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश की जनता लड़ाई है उनसे मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए वोट स्वरूप, इसलिए पूरे विरोधी दल के लोग उनको नहीं चाहते हैं कि वो कहीं चुनाव प्रचार करने जाए, क्योंकि वो चुनाव प्रचार को पलट देते हैं, वो जाते हैं वहां, अगर किसी की हवा बह रही है तो सब हवा खत्म हो जाती है, हवा निकल जाती है, टायर पंचर हो जाता है सबका, और आज यही हवा निकली है, सभी जहरीला सांप, नालायक बेटा, और अब बजरंग बली को बैन करने की बात। तो बजरंगी जो अभी हमारे लखनऊ शहर में, नीरज जी भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, जेठ का महीना आ रहा है, जेठ का महीना आ रहा है, जेठ के महीने में हर जगह अब तो नगर निगम ने उसको संज्ञान लिया, और आज ही का अखबार में पढ़ रहा था शायद कि नगर निगम को एक नंबर जारी किया है कि आप परमिशन ले लीजिए कि साफ सफाई की व्यवस्था हम करा सके। और नेहा जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, कम से कम इस लखनऊ पूरे शहर में बजरंग बली के नाम पर कम से कम एक हर मंगल को, बड़े मंगल को 1000 से ऊपर भंडारे लगते हैं, और इसमें न जाति है न धर्म है, बड़ी
बड़ी गाड़ियां जो अगर करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है, ठीक है ना, लेकिन बजरंग दल को बजरंग बली से क्यों जोड़ा जा रहा है इस पे? अभी तो कांग्रेस के नेता भी आपने सुना होगा, पवन खेड़ा ने कहा है कि इस पे तो माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से, प्रधानमंत्री को। एक देखिए, मैं अभी तो विजय कौशिक जी ने कह दिया, मुझे क्या बार बार अब एक ही शब्द क्यों दोहरा रही है कि वो बेवकूफ लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, विजय कौशिक जी ने कहा वो बेवकूफ लोग हैं, हनुमान चालीसा दिखाएंगे। वही उन्हीं के जब अरेस्ट हुआ था, जहाज से उतारे गए थे, वही पर तो मोदी से रिकवर खुदेगी हुआ था। क्यों भूल जाते हैं आप लोग, किस तरीके का हुआ था? अभी देखिए, एक और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नीरज जैन जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बजरंग दल में हमारे विनय कटियार जी हुआ करते थे, उनका नाम ही बजरंगी हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था, अब जैन साहब से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। तो हम लोग उसको आस्था से जोड़कर देखते हैं, उनके लड़ने वालों, उनके साथ हिंदू हितों की रक्षा करने वालों को हम लोग एक चीज से जोड़कर देखते हैं। ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगी। एक लाइन से अपनी करता हूँ निया जी, एक लाइन बस। और अभी नीरज जैन बड़े भाई हमारे कह रहे थे कि 40% कमीशन, 40% कमीशन अगर किसी ने आरोप लगाया, चलिए उसकी तो जांच होनी चाहिए, और अगर हुई हो तो अच्छा है, नहीं तो हो जानी चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, खुद पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी जब संवैधानिक पद पर ये कहते थे कि एक रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसा कमीशन में चला जाता है, 15 पैसे मिलते हैं, तो संवैधानिक व्यक्ति वो थे या वो जितने आरोप लगाकर वो जो है जो आरोप लगाया था वो था? तो 85% कमीशन की सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है। विजय जी का हम रुक करते हैं। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग तो कहते हैं देखिए पीएफआई पे हम बैन लगा देंगे अगर हमारी भी सरकार, चलिए अभी तो 5 साल के लिए लगा है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि पीएफआई पे बैन लगा देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों का जो इतिहास रहा है वो आतंक और आतंकवादियों के तुष्टिकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं जब बाटला हाउस में आतंकियों को मार गिराया गया था उस वक्त सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी। तो ये बताता है कि आप लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ आप कहते हैं पीएफआई पे बैन लगा देंगे, दूसरी तरफ आतंकियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं, ये कह रहे तुष्टिकरण की राजनीति तो आप लोग करते हैं, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। नेहा जी, सबसे पहले तो हम बजरंग बली की बात कर लेते हैं, फिर इस मुद्दे पर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्या इस देश में जो भी व्यक्ति बजरंग बली को मानता है क्या वो बजरंग दल का सदस्य है? क्या मोदी जी कह सकते हैं कि वो बजरंग दल के सदस्य हैं? क्या अमित शाह बजरंग दल के सदस्य हैं? इनमें से कोई भी बजरंग दल का सदस्य नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो मोदी जी ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव को केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं माननीय मोदी जी। इन्हें अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए काम दाम दंड भेद। अगर कर्नाटक प्रदेश के ऊपर परमाणु बम गिराकर अगर मोदी जी को चुनाव में जीत हासिल होती हो तो शायद ये लोग इस काम को भी कर लेंगे, क्योंकि इन्हें देश हित प्यारा नहीं है, इन्हें कुर्सी प्यारी है। अरे भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इससे पहले भी बजरंग दल पर बैन लगाया था तो वो कोर्ट चले गए, वहां से बैन हट गया। तो भाई, अगर कांग्रेस गलत कदम उठाएगी कोई तो उसके लिए कोर्ट है, हम कोई संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करने नहीं जा रहे, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर सुन लीजिए तुष्टिकरण की नीति, आप मुझे बताइए अफजल गुरु को फांसी किस सरकार के समय में लगी? कांग्रेस सरकार ने दी, और जितने भी आतंकवादी सरकार फांसी देती है क्या? विजय जी कैसी बात कर रहे हैं, सरकार फांसी देती है क्या? मान लीजिए राम मंदिर भी भाजपा ने बनवाया, जो कहते हैं कोर्ट ने, सरकार फांसी देती है? हाँ बिल्कुल, फांसी देती है सरकार, सरकार फांसी देती है, हाँ सरकार फांसी देती है, ये कोर्ट फांसी देता है, कोर्ट आदेश करती है, सरकार फांसी देती है, कोर्ट अपना फैसला सुनाता है ना, कोर्ट सुनाता है ना, सुनाता तो सरकार नहीं सुनाती है, सरकार नहीं सुनाती। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए फिर आप मानने के लिए तैयार है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है, ये बनवा दिया? मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं स्पष्ट कर देना सर। जो कहना चाह रहे थे, राम मंदिर अपने बनवाया है, जिंदाबाद, जय श्री राम। लेकिन मैं ना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ, तो भाई वो एनकाउंटर किसने कराया? क्या सरकार ने नहीं कराया वो एनकाउंटर? मतलब पुलिस वाले अपनी मर्जी से गए, जाकर शूट आउट कर दिया, हो गया, बताइए ना आप मुझे। भाई अगर वो सरकार ने नहीं कराया,
अगर फांसी की सरकार ने नहीं लगाई, देखो हमारी कांग्रेस के सरकार के समय में क्या चलता था कि हम लोग पाकिस्तान को पीटते भी थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाते थे कि हम पाकिस्तान से पीड़ित हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमने इतने पाकिस्तानियों को मारा उतने को मारा, ना कि अपना अधिकार होते हैं कि सर्वस्थान जो है सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा ये बता दीजिए 1700 पीएफआई नेताओं के जो केसेस है वो वापस लिए गए नहीं लिए गए, इतना मुझे बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान रूस रशिया चीन हम बाद में आएंगे उस पे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। 5 साल से कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना, तो कितने पीएफआई के लोगों को इन्होंने फांसी लगा दी? कितने, अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया था तो सरकार को वहां पूरा राइट था कि उन सभी लोगों को उठा के फिर से अंदर दे दे। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं, चुनाव में इनके पास कुछ है नहीं, इनकी हार तय है। हिमाचल में भी मोदी जी घर घर गए थे, किस तरह से अपने नेताओं के वो हाथ जोड़ रहे थे, फोन पर भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चुनाव में बैठ जाओ, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हिमाचल की जनता ने नकार दिया। तो आज ये कर्नाटक में भी इसी तरह से बौखलाए हुए हैं। और मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सरकार में रहते हुए बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ खूब ठोस कार्रवाई की। आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 9 साल के समय में मोदी सरकार के समय में कितने आतंकवादियों को फांसी के आदेश हुए हैं, कितने आदेश, फिर वही बात कर रहे हैं सरकार आदेश देती है, कैसी बातें कर रहे हैं विजय जी कैसी बातें कर रहे हैं? सरकार आदेश नहीं देती है, कोर्ट आदेश देते हैं, फिर तो आप कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं इस तरह की बात करके। अश्विनी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर अनिल जी का उत्तर। मौजूद नहीं है क्या? जेलों में नहीं है क्या? ठीक है जाहिर सी बात है, अगर सरकार आतंकवादियों की फेवर में या उनके खिलाफ ठीक से केस नहीं लड़ेगी। कहते ना आंसू आप लोग बहाते हैं, फिर हम लोगों पे आरोप लगा देते हैं, कह रहे एनकाउंटर होता है तब भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फिर हम लोगों पे आरोप लगा देते हैं, जेल के अंदर करते तब भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, फिर हम लोगों पे ये कह रहे हैं कि आरोप तो आप लोगों का काम है लगाना, लगाते रहते हैं। अभी अश्विनी जी को सुन लेते हैं, फिर मैं नीरज जी का रुख करती हूँ। जी जल्दी से। नेहा जी देखिए, सरकार काम करती है, वो कांग्रेस ने किया था 12 बजे 1 बजे रात में कोर्ट खुलवाने का काम किया था उस आतंकवादी के लिए, इन लोगों ने ही वही किया था, तो सरकार वो काम करती थी, इनकी कोई नहीं। और इन्होंने मान लिया, कोर्ट के ऊपर सवाल ही निशान खड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए? अगर हमने हमारे यहाँ भाई आपने 12 बजे रात में कोर्ट खुलवाया है, हम कह रहे हैं जज साहब के घर गए हैं, वहाँ पर अदालत लगी है, और उसके लिए किसके लिए? एक आतंकवादी के लिए, मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नहीं वो तो देश की जनता ने देखा, वो तो देश की जनता ने देखा था, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई थोड़ी ना थी, वो तो सबने देखी थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी विजय कौशिक जी ने बहुत बढ़िया बात माना कि हमारे लोग पाकिस्तान से पिटते थे हम। अभी इन्होंने कहा, और राहुल गांधी जी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैंने तो नहीं कहा कि हम पिटते थे, बजरंग बली की बात है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाते थे। नहीं तो वही बात होगी ना अश्विनी जी, ये तो वही बात होगी कि बजरंग दल की बात हो रही है तो बजरंग बली से आप बात करते थे, वो कह रहे पीटते थे तो आप कह रहे तो पिटते थे। जी ऐसे नहीं होता ना सर, वो पीटने की बात कर रहे थे। बजरंग दल की आप विजय जी को शायद नहीं मालूम है, बजरंग दल की स्थापना कैसे हुई थी? बजरंग दल नीरज जैन साहब को पूरा मालूम है, और विनय कटियारी संस्थापक है, जिनका नाम मैंने पहले लिया। मुझे बताइए क्या मोदी जी नारायण दास तिवारी जी, अरे सुन लीजिए विजय भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सही सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बजरंग दल के सदस्य है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जिनका प्रधानमंत्री 50 लाख सदस्य है हमारे में, बजरंग दल के सदस्य है क्या 50 लाख? तो फिर फेवर क्यों किया जा रहा है? अब बात सुनने दीजिए, कांग्रेस जी सदस्य हैं, राजनाथ जी सदस्य हैं, अभी आधे घंटे है विजय भाई, तो कहिए तो मैं शीर्ष नेता के बारे में बता दीजिए, मंत्री के बारे में, कि भाई वो बजरंग दल का सदस्य हो। सभी लोग बजरंग दल के सदस्य हैं, बस 50 लाख सदस्य हैं उसमें, सभी लोग हैं, ठीक है? तो फिर तो कांग्रेस के सदस्य है, फिर आपको कांग्रेस से दर्द क्यों है? कांग्रेस बहुत कुछ है, कांग्रेस तो बैन करे ना, कांग्रेस मैं दर्द बता रहा हूँ, सुन नहीं रहे हैं। अब देखिए नेहा जी, अब आप या तो चाहती है कि भाई हम लोग दूर बैठकर लड़े, नहीं बिल्कुल नहीं, एक-एक करके बात को रखिए। नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राम जी की झांकी निकला करती थी, और उस झांकी की सुरक्षा देने में उन्होंने मना कर दिया कि हम सुरक्षा नहीं देंगे, इसलिए बजरंगी ये क्या नाम है अपने बजरंगी, अब उनका नाम ही जो है विनय कटियार जी को, विनय कटियार जी ने इसकी स्थापना की कि राम जी की
सहायता हमेशा बजरंग बली किया करते थे, इसलिए ये सेवकों का एक दल है जिसका नाम हम बजरंग दल रखते हैं, तो ये हनुमान जी के नाम पर ही पड़ा और उसमें हम 50 लाख से ऊपर लोगों को जोड़े हैं और आज हमारे मेंबर है 50 लाख। लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार कौन देता है? नहीं, कानून को हाथ में कहीं नहीं लिया है बजरंग दल ने, इसीलिए तो नरसिम्हा राव जी ने कहा जब सरकार थी जब बैन किया गया कोर्ट में पहली हियरिंग में खत्म हो गया मामला, क्योंकि कुप्रथाओं को जबरदस्ती तस्वीरों को आप झुठला सकते हैं क्या? नीरज जी आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि कानून को अपने हाथ में लेने का काम बजरंग दल के नेता करते हैं नहीं करते, कार्यकर्ता करते हैं नहीं करते, तस्वीरों को झुठला नहीं सकते जब मारपीट की तस्वीरें निकल के सामने आती है। आतंकवादी की बात नहीं कर रही मैं, कानून को हाथ में लेने की बात कर रही हूँ अश्विनी जी, दोनों चीजों में फर्क होता है। मेरा एक सबमिशन है कि चाहे बजरंग बली हो चाहे रामचंद्र जी हो, किसी भी महापुरुष हमारे भगवान, हमारे भगवान के नाम पर आप संगठन बनाते बहुत अच्छी चीज है। हमारे यहाँ तो मान्यता बहुत है कि मानो तो देव वरना पत्थर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हम तो अखबारों के जरिए से जानते हैं कि कहीं राम सेना 14 फरवरी को लड़ाई झगड़ा कर रही है, कहीं बजरंग दल मारपीट कर रहा है, इसकी परमिशन किसी को कभी देश का संविधान नहीं देता है। और अब कल को रोज आप हिंदू है तो आप अपने हिसाब से मुसलमान के हम अल्लाह ओ अकबर हमारा संगठन है वो आप वो करके कत्लेआम शुरू करते, तो ये परमिशन किसी को नहीं दी जाती। बिल्कुल साफ है कि देखिए और 142 करोड़ की आज की डेट में जो आबादी है उसकी रक्षा का काम भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के पालन का काम देश के प्रधानमंत्री सबको करना चाहिए। मेरा यही मतलब है कि किसी भी चुनाव में इस प्रकार के मुद्दे आने ही नहीं चाहिए जो धर्म से हो, क्योंकि देखिए आदमी की सोच को आप बदल नहीं सकते और मानव जो है हमारे देश के आदमी धर्म के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इसी धर्म की बुनियाद पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती है। बिल्कुल ये मेरा अपना मानना। जी जी ठीक है अश्विनी जी, जी इससे इनकार कर सकते हैं क्या आप कि कानून को हाथ में लेने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं करते, तस्वीरों को झुठला सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी नीरज जैन साहब से मैं सहमत हूँ, भारतीय संविधान के हिसाब से किसी को कानून को हाथ में लेने का कोई ना हक है ना अधिकार। अगर आप बजरंग दल का समर्थन कर रहे हैं तो आप उन तमाम चीजों का भी समर्थन कर रहे हैं। बात सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए नेहा जी, लेकिन जब सर तन से जुदा किया जाता है कमलेश तिवारी का तो ये लोग कहाँ रहते हैं? जब सर तन कन्हैया का हुआ है क्या हिंदू का भी कट्टर हुआ है क्या अश्विनी जी हुआ है क्या? हिंदू सिर्फ पिटे नहीं नहीं तो हिंदू कट्टर हो जाए, हिंदू सिर्फ कटने के लिए है, हिंदू हिंदू हमेशा विनम्र रहा है, हिंदू हमेशा विनम्र रहा है सर। नहीं 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 इस तरह से नहीं, आप बताइए हिंदू सिर्फ तो कट्टर हो जाए हिंदू? नेहा जी कट्टर की बात ही नहीं, हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता कभी, हम कटने और पिटने की बात। आप तुलना क्यों कर रहे हैं? आप तुलना क्यों कर रहे हैं? अब एक लाइन में बताना चाहता हूँ, हम शास्त्रों से चलते हैं नेहा जी, हाँ। ध्यान दीजिए हम शास्त्रों से चलते हैं, लेकिन जब ज्यादा असुरों की संख्या हो जाती है तो जो शास्त्र होता है ना उस शास्त्र का शाह का डंडा निकाल लेते हैं, वो शस्त्र बन जाता है हमारे हाथ में। कोई देवी देवता देखिए बता दीजिए जो हमारे शस्त्र लेकर मैं खड़े हुए हूँ रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं, हम कट्टर नहीं होते हैं। हिंदुस्तान के जितने देवी देवता तन से जुदा वाली बात आपने कही, शस्त्र उनके हाथ में है। आपने आपने ये कंपैरिजन भी क्यों किया, ये तुलना भी क्यों की? मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं चाहूंगी पीसीआर से सबको दिखाए सारे केस दिखाए। इसलिए किया नेहा जी, इसलिए किया कि अब आज कांग्रेस जैसी पार्टियों ने पुष्टिकरण में इतना नीचे गिर गई है ये कि जो 80% बहुसंख्यक हिंदू समाज दूसरों को देखने से पहले पहले तो हमें अपने आप को देखना चाहिए ना। इन लोगों ने उस समाज की अवहेलना शुरू कर दी, उस समाज को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उस समाज के भावनाओं को आज करना शुरू कर दिया, तो भाई समाज को तो जागना पड़ेगा। आप दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो चार उंगली आपकी तरफ भी तो है। रक्षार्थ हुई थी, हम अपने आप को क्यों नहीं सुधारते हैं? नीरज जी मैं विजय जी एक मिनट आ रही हूँ। नीरज जी मैं ये चीज कहना चाहूंगा, शाही जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे हैं। एक बात जानिए कि आप जो ये कह रहे हैं, अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया था
मोहन भागवत जी का तो हमारा कोई भी शास्त्र और पुराण वेद कोई इसका प्रमाण नहीं मिलता है, इसको लिखा गया है और इसमें कई ऐसे अंश हैं जिनको हटाया जाना चाहिए। उस वक्त आप लोग क्यों चुप बैठे थे अगर हम धर्म से चलते हैं, शास्त्रों से चलते हैं। देखिए कई कई बार इस तरह के जो बातें हैं बयान वो आप भी दे रहे हैं। उधर दूसरा बयान प्रधानमंत्री जी का था, अभी 80-20 की बात पे एकदम से याद आ गई। यहाँ हम लोग वक्ता लोग बैठे जितने भी बैठे चारों लोग हिंदू हैं, यहाँ 80-20 बहुत कम आते हैं। एक बात बताइए, अभी आपकी सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने मोहन भागवत जी ने कहा इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको लेके चलो। आप मस्जिदों में भी जा रहे हैं, दोहरा मापदंड मत अपनाइए। आपको करना है तो 20-80 का करना, 80-20 जो करते वो करके खुलेआम करिए, ठीक है ना। इस तरह से देश को गुमराह करके मत करिए। मेरा एक प्रश्न होता है कि कर्नाटक आप जवाब दीजिएगा, चाहिए देंगे हम जानते हैं आप अच्छे हैं, अच्छा जवाब है। लेकिन कर्नाटक में अगर आपने 5 वर्ष इतना कार्य किया था तो किसी प्रकार के मुद्दे की आवश्यकता क्यों पड़ गई, चाहे बजरंग हो चाहे कोई हो। इन्होंने मांगा था क्या अश्विनी जी, आपने मुद्दा मांगा था, जल्द जवाब दे दीजिए फिर मैं एक ब्रेक लेने, मैं विजय जी मैं लौटूंगा जी, ब्रेक के बाद। आपने बहुत अच्छी बात कह दी, हमने मुद्दा मांगा नहीं था और इन लोगों ने दिया है हम लोगों को, तो हम लोग तो अपनी तैयारी करके डॉक्टर साहब चल रहे थे हम लोग, ऐसा कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो थे आप इंतजार में तो थे, इस बात को तो मान लीजिए। ये तो हम राजनीतिक दल होने के नाते नेहा जी हमको तो चाहिए कहीं कोई अगला गलती करे, ऐसा ही मुद्दा चाहिए ना, ये उनकी गलती है, ये ऐसा ही मुद्दा चाहिए आपको। नहीं नहीं, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है, ये गलती नहीं है। और धार्मिक भावनाओं को कैसे आहत कर दिया आप, बजरंग बली के साथ बजरंग दल को जोड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची, कैसे पहुंच रही? बजरंग बली के नाम पर श्री राम के रक्षार्थ ये सेना का गठन हुआ, उसको बैन करने की बात हिंदू भावनाओं को आहत करना है। मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब का जवाब मैं देना चाहता हूँ, हिंदुओं को ही जब वो पीटते हैं, नेहा जी जवाब नहीं देने दे रही है, डॉक्टर साहब का मैं जवाब दे लूँ। ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब 80-20 का ये अच्छा डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हमने नहीं उठाया, राजनीतिक तौर पे आप ही लोग उठाए हैं। 80-20 जैसे चाहे राजनीतिक दल कहते हो या जो भी कहते हो, और वो वास्तविकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसका एक उदाहरण मिलता है जैसा साहब कि अभी रामपुर में चुनाव हुआ, पीछे दिनों रामपुर में प्रेस के भाई हमारे घूम रहे थे, उन लोगों ने दिखाया महिलाएं जो मुस्लिम समाज से थी उन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिले हैं, राशन मिला है। हमने 3.5 करोड़ मकान जो दिए हैं उसमें जाति भाव धर्म भेद नहीं किया है। लखनऊ में हम और आप रहते हैं, सहारा हॉस्पिटल हो या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, हम आप चल सकते हैं देख सकते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहां पर जो आयुष्मान कार्ड लेकर कितना जाते हैं। क्या हिम्मत थी किसी एक आम आदमी की सहारा हॉस्पिटल या किसी वेदांता हॉस्पिटल में घुसने की? नहीं थी। ये किसने कराया? ये माननीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास का प्रयास है। हम किसका विरोध करते हैं? हम उन सभी मुसलमान भाई हमारे हैं, आज हम 400 लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये बताइए कि अगर बजरंग दल का आप समर्थन करते हैं तो जो कानून अपने हाथ में लेने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं उसका भी समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए कोई ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, जो भी कार्यकर्ता लेता है उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। मगर कोई आतंकी गतिविधि में वो शामिल नहीं है, किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं है वो वहां पर। अब जैसे मान लीजिए कि कब्जे का मामला है कि कई मुस्लिम संप्रदाय ने कर लिया, उत्तर प्रदेश में बहुत बुलडोजर चले हैं, कितने कब्रगाहों पर बुलडोजर चला है, कितने मस्जिदों पर चला जो अवैध लोगों ने बनाया था। तो ये जो धार्मिकता के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने का काम करते हैं बजरंग दल, उसको खाली कराने का काम करते हैं। तो बजरंग दल का ही काम है क्या? नहीं, बजरंग दल का ही काम है क्या, ये बताइए ना मुझे। बजरंग दल को सरकार की तरफ से रखा गया है, नियुक्त किया गया है, ये पूरा दल बनाया गया है क्या कि अवैध निर्माण जो हो रहा है या उस पर बुलडोजर चलवाया जाए या उसको खाली करवाया जाए? ये नहीं, दो चीजों को मिला दिया, दो चीजों को नहीं मिला है। आपने जो बोला मैंने तो उसी पे सवाल किया। मैंने जो कहा, मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलवा के खाली कराया चिन्हित करने के बाद। तो बजरंग दल भी एक काम करता है, आपने इस बात को कहा, तो बजरंग दल को ये अथॉरिटी किसने दी? बजरंग दल उनको चिन्हित करता है, सरकार को बता देता है, चाहे मध्य प्रदेश का मामला। बजरंग दल कैसे चिन्हित कर लेगा? बजरंग दल को चिन्हित करने का भी काम है क्या? भारत का नागरिक कोई भी कर सकता है कि मकान कब्जा किया है, जमीन कब्जा किया है, किसी को दिया जा सकता है? नहीं,
नहीं चाहिए थी नहीं। बजरंग दल देश विरोधी कोई काम नहीं करता है नेहा जी, मैं आप बता रहा हूँ। ठीक है, देश विरोधी काम नहीं करता विजय जी, तो फिर आप लोगों को क्यों बैन लगाने की लगी कि जो बजरंग दल है उस पर बैन लगा देंगे हम, क्यों लगता है आपको? देखिए मैं भाजपा प्रवक्ता का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने आज बजरंग दल की पूरी पोल खोल कर रख दी है। सबसे पहले तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं मोदी जी या कोई भी भाजपा के नेता बजरंग दल का सदस्य नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कथित रूप से जो इस्लामिक आतंकवाद है उसका मुकाबला करने के लिए बजरंग दल का जन्म हुआ है, यानी कि हिंसा का जवाब हिंसा से यानी कि शस्त्र से, ये इन्होंने खुद माना है। और इसके अलावा बजरंग दल आतंकी गतिविधियों में रहा है, तो अगर रहा है तो नहीं रहा है तो फिर क्यों आपको लगता है कि ये आतंकी गतिविधियों में रहा है, इस पे बैन करना चाहिए? अगर नहीं रहा या रहा है तो कोई मुझे ऐसा इंसिडेंट बताइए। मेरी बात सुन लीजिए, जो भाजपा प्रवक्ता ने बात कही है पहले उस पर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक लाइन वो बोल दीजिए ना, उसके बाद हमारा जवाब दे दीजिएगा, अभी समय है। आतंकी गतिविधि में था या नहीं था ये बता दीजिए बस। इसके अलावा जो बजरंग दल के जो कथित रूप से कार्यकर्ता है समय समय पर लोगों को युवकों को युवतियों को पीटते हुए नजर आते हैं, तो ना तो इन लोगों का देश के संविधान में भरोसा है, क्योंकि अगर संविधान में भरोसा होता तो डंडा लेकर खुद पीटते हुए नजर आते कि युवक और युवतियों को। आतंकी संगठन तो नहीं है ये तो मानते हैं आप, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे, लेकिन आतंकी संगठन तो नहीं है ये मान रहे हैं आप? जी मेरी बात समझिए ना, जानते हैं कारण भाई, अगर किसी संगठन के कारण सामाजिक जो सद्भाव है अगर वो खराब हो रहा है तो उस आधार पर भी बैन किया जा सकता है। न्याजी एक संविधान के नाम पर एक बात आई तो मैं इजाजत चाहता हूँ कुछ कहने की। और बजरंग दल हिंदुओं को भड़का रहा है, भड़का रहा है इसके भी सबूत बताइए ना, कुछ ऐसे मामले सामने आए हो जिसमें भड़काया गया हो हिंदुओं को? क्या भड़काया गया हिंदुओं को बताइए? मैंने क्या कहा कि अभी हमारी पार्टी के नेता जब पब्लिक में गए, पब्लिक से जो पता चला उसके आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमारी सरकार बनते ही हम सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, देश की जनता के सामने रखेंगे और उसके आधार पर किसी भी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संवैधानिक बात आई है यहाँ नेहा जी, एक संवैधानिक बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। निजामुद्दीन मरकज को लेकर जो इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे, मौलाना साध को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जबकि भाजपा के मुताबिक मौलाना साध ने निजामुद्दीन मरकज के माध्यम से पूरे देश में कोरोना फैला दिया, गिरफ्तार किया। ठीक है, गलत डायरेक्शन में बदले अलग लेके जा रहे हैं, अलग लेके जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, कुछ कहना चाह रहे? सुन लेते मैं आ रही हूँ, आ रही फिर पूछिएगा ना, एक सेकंड रुक जाइए ना, अभी रुक जाइए, उसका तो जवाब दे, एक सेकंड आ रहे आ रहे आ रहे विजय जी आ रहे एक सेकंड अश्विनी जी जल्दी से बात रखिए। नेहा जी संवैधानिक बात इन्होंने किया कि संविधान में हमारी आस्था नहीं है एकदम, चलिए आप कांग्रेस आरोप लगाती है, मगर संविधान की धारा 44 उपधारा 4 में वर्णित है UCC, हमने अपने वहां पर संकल्प पत्र में डाला है, उसका विरोध क्यों ये लोग करते हैं पूरे देश में घूम कर? ये संवैधानिक विरोध है या नहीं है? हम उसकी बात धारा 44 उपधारा 4 UCC हम लागू करने की बात कर रहे हैं, उसका विरोध ये क्यों कर रहे हैं? संवैधानिक विरोध कौन कर रहा है जरा बताएं। मैं जवाब दे दूं जल्दी से इन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है, अरे भैया केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र से बात करा दीजिए, काहे का विरोध मुझे बताइए। और जब आप हमारे घोषणा पत्र की बात को लेकर सीधा बजरंगबली को ही कैद करवा रहे हैं, सीधा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बजरंगबली पर हमला कर दिया है, अरे भैया बजरंगबली भगवान है क्या है कि उनको कैसे कैद कर लिया गया? बजरंगबली तो भगवान है, बजरंगबली कैद है और क्या है? धूम भरना चाहिए मोदी सरकार को ही, राम के नाम पर हनुमान के नाम पर बजरंगबली कैद है माना गया है, जीवित देवता सूर्य भगवान और बजरंगबली को ही माना गया है। हमने बजरंग बली को कैद कर लिया, ठीक है आप ये कह रहे हैं, लेकिन ठीक है नीरज जी, बजरंग बली इतने कमजोर है कि कांग्रेस उन्हें कैद कर सकती है, लाने से भाजपा की ऐसी तौर पर नीरज जी मानते हैं कि बजरंग बली सबके हैं, सबके दिलों में है, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। राम काल्पनिक कह रहे थे लेकिन बजरंग बली तो सबके दिल में, आप कह रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेसर नीरज जैन जी अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये
चुनाव से एन पहले बजरंग बली का विषय उठाना या बजरंग दल को बैन कर देना पीएफआई को, ये सही इन चुनावी मुद्दों से इतर अगर हम देखें तो कर्नाटक की राजनीति में मूलभूत मुद्दे, मूलभूत ऐसी दिक्कतें जो जनता को रोज फेस करनी पड़ती होगी ऐसी बहुत सारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें या और तमाम और चीजों की बात करें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के जरिए उठाए जा सकते थे और इसको भुनाए जा सकते थे। लेकिन क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि उन मुद्दों को ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है और मुद्दे ये हैं जिनका कोई मतलब नहीं है? ऐसा होता है कि जब 5 वर्ष की सरकार मुद्दे को तलाश रही है और जो सरकार में है नहीं वो तो मुद्दा कुछ ना कुछ उठाए, लोकसभा में जब कोई भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है किसी बड़े गंभीर विषयों पर जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, तमाम ऐसे मुद्दे पर है, तो कहीं ना कहीं राज्यों के चुनाव में हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से सेंसिटिव मुद्दे उठा के सत्ता में आना चाहता है। मतलब ये बात बिल्कुल सच है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बस एक चीज मैं कहूंगा, शाहिद जी आपकी बहुत बहुत अच्छी बात लगी कि बजरंग दल जो है सरकार को अवगत कराता है कि ये अनधिकृत कब्जा है, लखनऊ में आप भी रहते हम भी रहते हैं, तो बाकी हम आपका घर बिल्कुल जानते हैं। आप ये बताइए कि ये जो नई चौकियां, पुलिस चौकियां शहर के अंदर, लखनऊ शहर की बात कर रहा हूं, सड़क पर बन गई है, अनधिकृत कब्जा है, कोई भी लैंड का पेपर नहीं है, जहां जहां वहां पुलिस चौकी, रेड पिंक बूथ बना दिए, इसको कब गिरवाएंगे बजरंग दल वाले, कब इसको संज्ञान में लाएंगे? एक काम करें, हम आपके कल आ जाते हैं, वहां पूछा है कि कहां आप घर आते हैं, एक कल चुनाव हो जाए उसका चाय पीते और आप, हम आप एक दिन निकलते हैं, हम लोग देखते हैं कितनी गंदगी को भी देख लीजिए, सबको देखे, कल परसों लोकल बॉडीज में थी तो हम आपको दिखाएंगे 100 से ऊपर ऐसे स्थान जहां पर गंदगी भी है और 100 से ऊपर ऐसी चौकियां जिनको उन्होंने कब्जा कर रखा है पुलिस ने, क्योंकि पुलिस के हाथ में डंडा इसलिए कोई भूलता नहीं है। लेकिन बजरंग दल अगर इतना अच्छा है तो हम चाहते हम भी बजरंग दल के सदस्य बनेंगे, चल के उनके भवनों को गिराएं। हमने वीडियो में भेजा है कि इस प्रकार के इलीगल कब्जों को पुलिस चौकी से बिल्कुल भी हटाया जाए। कम से कम अश्वनी जी ने बजरंग दल के काम को भी साफ कर दिया है। क्या काम है बजरंग दल का और कैसे काम करता है बजरंग दल? ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।